हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम मोहरी का डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने बुकरम पट्टी तैयार कर ली है मोहरी की। बुकरम पट्टी की जो चौड़ाई है फ्रेंड्स, वो 2.5 इंच है और बॉर्डर लाइंस हमने बना ली है। आप देख सकते हैं ये बॉर्डर लाइंस बनी हुई हैं दोनों ही साइड्स में। सबसे पहले हम इनमें छोटी लहर बनाएंगे बॉर्डर्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं सिलाई कढ़ाई पेंटिंग बुनाई और क्रोशिया की वीडियोस अपलोड करती हूं। अगर कोई डिज़ाइन है जो आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो उसकी भी एक FB पर शेयर कर सकते हैं। ID का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों ही बॉर्डर्स में हमने छोटी लहर बना ली है, आप देख सकते हैं। अब हम मार्क लगाएंगे डिज़ाइन बनाने के लिए। 2.5 इंच की दूरी पर फ्रेंड्स हम मार्क करेंगे। 2.5 इंच का स्पेस लेकर मार्क कर लेंगे। बुकरम की दूसरी साइड भी इसी तरह मार्क करेंगे। आप इंची टेप की हेल्प लेकर मार्क लगा सकती हैं 2.5 इंच का स्पेस देकर, या आप अंदाजे से मार्क लगा सकती हैं। जस्ट सामने ही मार्क करना है। दोनों ही साइड्स फ्रेंड्स हमारे मार्क्स लग चुके हैं। दोनों ही बॉर्डर्स की जो दूरी है उसके बीच में हम मार्क करेंगे एक, क्योंकि हमें कली वाला डिज़ाइन बनाना है। इस तरह सारे ही मार्क्स में बीच में एक मार्क करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे मार्क लग चुके हैं, बराबर स्पेस में लगाए हैं। बॉर्डर के जो बीच का स्पेस था वो 2 इंच था, हमने 1 इंच पर मार्क किया है। आप देख सकते हैं ये मार्क 2.5 इंच का है दोनों ही साइड्स में, और ये बीच में 1-1 इंच के स्पेस पर मार्क है। अब हम फ्रेंड्स डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन यहाँ से बनाना शुरू करेंगे, लेफ्ट साइड से। राइट साइड पर जो हमारा मार्क लगा हुआ है 2.5 इंच का, वहाँ तक हम मशीन का फुट ले जाएंगे। अब हम फुट को उठाएंगे और कली बनाएंगे। कली के बीच में फ्रेंड्स हम एक सिलाई लगाएंगे छोटी सी, फुट को उठाएंगे और बैक करेंगे। कली हमारी बन चुकी है। अब हम मशीन का फुट लेफ्ट साइड को लेकर जाएंगे। आप देख सकते हैं जिस तरह हमने फ्रेंड्स राइट साइड में कली बनाई है, उसी तरह लेफ्ट साइड में कली बनाएंगे।
कर्ली फ्रेंड्स हमारी बन चुकी है। मशीन का फुट उठाएंगे और राइट साइड को सिलाई लगाएंगे। इसी को रिपीट करते हुए फ्रेंड्स हम आगे का डिज़ाइन बना लेंगे। फ्रेंड्स हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह बना है, आप देख सकते हैं। अब हम मार्क लगाएंगे। ये जो हमारी आड़ी सिलाई है इसके बीच में हम मार्क कर लेंगे इस तरह से, जिससे हमें आगे का डिज़ाइन बनाने में प्रॉब्लम ना हो और डिज़ाइन हमारा इजीली और फिनिशिंग के साथ बन जाए। देखिए फ्रेंड्स ये निशान हमने इस तरह लगाए हैं। अब हम राइट साइड से डिजाइन बनाएंगे। मशीन का फुट लेफ्ट साइड को लेकर जाएंगे इस तरह से। अब हम फुट को उठाएंगे और लाइंस बनाएंगे, जिस तरह हमने कली में बनाई है। फुट को बैक ले जाएंगे, फिर से फुट उठाएंगे और छोटी सी लाइन बनाएंगे। फुट उठाएंगे, बैक ले जाएंगे फुट को। दो लाइंस हमारी बन गई है फ्रेंड्स। एक और लाइन बनाएंगे, फुट को उठाएंगे, छोटी लाइंस बनानी है ये। वापस मशीन फुट को बैक करेंगे। अब हम वहीं पर आ गए हैं जहां पर हमने लाइंस बनानी शुरू की थी। अब हम राइट साइड का जो मार्क है 2.5 इंच पर लगा हुआ, वहां तक फुट ले जाएंगे। अब मशीन के फुट को उठाएंगे, कली बनाएंगे फ्रेंड्स। कली हमारी बन चुकी है फ्रेंड्स। फुट को उठाएंगे और राइट साइड को लेके जाएंगे। अब फ्रेंड्स जिस तरह हमने ये 3 लाइंस बनाई थी, उसी तरह यहाँ पर 3 लाइंस बनाएंगे। थ्री लाइंस हमारी बन चुकी हैं। अब हम मशीन का फुट उठाएंगे और राइट साइड का जो 2.5 इंच का मार्क है वहाँ पर ले जाएंगे। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर कली बनाएंगे, राउंड कली जो हम बना रहे हैं। डिज़ाइन हमारा फ्रेंड्स रिपीट होने लगा है, आप देख सकते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स हम आगे का डिज़ाइन बना लेंगे।
दो सिलाइयों में फ्रेंड्स हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह बना है, आप देख सकते हैं। अब हम राउंड शेप लाइन करेंगे। पहले हम लेफ्ट साइड में राउंड बना रहे हैं, ये सिलाई हमें राइट साइड को राउंड करते हुए बनानी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि थ्री लाइन से हमारी लाइन थोड़ी सीधी रहे, राउंड शेप वाली। देखिए ये राउंड देते हुए सिलाई लग रही है हमारी। एक सिलाई हमारी लग चुकी है फ्रेंड्स, राउंड शेप में लगाई है, आप देख सकते हैं। अब इसके पास में सिलाई लगाएंगे लेफ्ट साइड में ही, थोड़ा स्पेस देंगे इस तरह से। देखिए दोनों सिलाइयां फ्रेंड्स हमारी लग चुकी हैं, आप देख सकते हैं काफी फिनिशिंग के साथ लगी है। अब हम राइट साइड का डिजाइन बनाएंगे, जो ट्रायंगल बना हुआ है हमारा राइट साइड का। जिस तरह फ्रेंड्स हमारे ट्रायंगल का शेप है तिकोना, उसी तरह उसी शेप में हम सिलाई लगाएंगे। मशीन का जो फुट होता है आपको उसी तरह घुमाना है। अब मशीन का फुट उठाएंगे, सिलाई नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स, आगे को जंप करेंगे इस तरह से। धागे हम बाद में कटिंग कर लेंगे फिनिशिंग के साथ, और ट्रायंगल शेप में एक सिलाई लगा लेंगे। एक सिलाई फ्रेंड्स हमारी लग चुकी है, अब हम एक और सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई भी हमें ट्रायंगल शेप में लगानी है, तिकोने शेप में। राइट साइड का जो ट्रायंगल था उसमें हमने ट्रायंगल शेप में दो सिलाइयां लगाई हैं फ्रेंड्स। अब हम बीच का डिज़ाइन बनाएंगे। इसमें फ्रेंड्स हम छोटी लहर बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी मोहरी का डिज़ाइन बन चुका है, बेहद आसान तरीके से बना है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप आपको मोहरी का डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।